नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिग्नल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, आप सभी के फोन में प्ले स्टोर है और आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को प्ले स्टोर के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो है। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चले दोस्तों हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर से क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फिर आपको सीधा वीडियो को नीचे आना है कमेंट सेक्शन में और आपको यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट करना है और यहाँ पर लिखिए यूजफुल ट्रिक, बस यहाँ पर ये कमेंट कीजिए और इसे सेंड कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को प्ले स्टोर के जितने भी ट्रिक्स बताऊंगा रैंडमली बताऊंगा, सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना ताकि सारे ट्रिक्स आपके समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है प्ले स्टोर आपके फ़ोन में बैटरी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करता है, यानी प्ले स्टोर आपके फ़ोन में बैटरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए थ्री लाइन है, थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है थीम, थीम के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेट बाय बैटरी सेवर, बस यहाँ पर सेट बाय बैटरी सेवर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर प्ले स्टोर में आप सेट बाय बैटरी सेवर को सिलेक्ट कर लोगे, आपके फ़ोन में इंटरनली प्ले स्टोर बैटरी को यूज़ नहीं कर पाएगा। सो जरूर से यहाँ पर थीम में सेट बाय बैटरी सेवर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, आप कोई भी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कि आपका फ़ोन एक ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट है आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ प्ले स्टोर ही बताएगा आपका फ़ोन एक ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट फ़ोन है। तो कैसे पता करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर पूरा नीचे आइए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिवाइस इज सर्टिफाइड, यानी ये मेरा जो फ़ोन है कम्प्लीटली सर्टिफाइड और ओरिजिनल फ़ोन है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन में डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड देखने को मिले तो समझ जाना आपका फ़ोन एक डुप्लीकेट फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन है, कॉपी फ़ोन है। तो ज़रूर से यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए आपका फ़ोन ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है और आप उसे प्राइवेसी देने के साथ उसे सिक्योर रखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बैक करना है और यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे आइए और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेरेंटियल कंट्रोल्स, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये सेटिंग का काम क्या है समझ लीजिए पहले। दोस्तों, प्ले स्टोर में जितने भी हार्मफुल एप्लीकेशन है, न्यूडिटी एप्लीकेशन है, ख़राब एप्लीकेशंस होती हैं जो बच्चों के लिए कम्प्लीटली इग्नोर करने वाला एप्लीकेशंस होते हैं, उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो उन एप्लीकेशंस को। कैसे, बस आपको यहाँ पर इसे ऑन करना है, फिर आपको यहाँ पर एक पिन सेट करना है, पिन सेट करने के बाद एज सिलेक्ट कर लीजिए, एज के हिसाब से आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा, तो आप एक हार्मफुल एप्लीकेशन से अपने बच्चे को बचा सकते हो। तो ज़रूर से यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल में आप लगाम लगाइए, पिन सेट कर लीजिए, एज सिलेक्ट कीजिए, फिर आपके बच्चे को यहाँ पर कोई भी ख़राब एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलेगा। तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, ज़रूर से फ़ोन में ये सेटिंग कर लीजिए। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो प्ले स्टोर में ज़रूर से ये सेटिंग करना बनता है। दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रिक है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, देखिए आप प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशंस में वायरस होते हैं, स्पाई एप्लीकेशंस होते हैं, हार्मफुल एप्लीकेशंस होते हैं, चोर एप्लीकेशंस होते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्ले प्रोटेक्ट, प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर दोस्तों देखिए प्ले ऐप्स आर ऑटोमेटिकली स्कैन बट यू नीड टू टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट ऐप स्कैनिंग टू चेक ऐप्स फॉर्म आउटसाइड द प्ले स्टोर। अगर आप प्ले स्टोर से बाहर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये उसे स्कैन करेगा और एप्लीकेशन कम्प्लीटली सिक्योर है ये आपको इन्फॉर्म करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। देखिए आपको करना कैसे है, यहाँ पर आपको ये जो सेटिंग आइकॉन है यहाँ पर क्लिक कीजिए, बस सिंपली इसे ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसे ऑन कर लोगे यहाँ पर ये फ़ोन को स्कैन करेगा आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं और आपको यहाँ पर इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लुक्स गुड, नो हार्मफुल एप्लीकेशंस फाउंड, यहाँ पर मेरे फ़ोन में कोई भी हार्मफुल एप्लीकेशंस नहीं है। तो ज़रूर से ये सेटिंग भी आप लगा लीजिए प्ले स्टोर में अभी के अभी। दोस्तों, अगला जो ट्रिक्स आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, फिर थीम के ऊपर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर डार्क मोड को सिलेक्ट कर लीजिए और आपका प्ले स्टोर यहाँ पर डार्क मोड में हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो के नीचे लाइक करना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।